आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल छायामिश्रफामिली। आज जैसे कि आपने टाइटल रीड कर ही लिया होगा और टाइटल के अकॉर्डिंग ही मैंने ये दो चोटियाँ की हैं, क्योंकि एक्चुअली जो चैलेंजेस होते हैं ना वो बच्चों में होते हैं। ओके, बच्चे बोलते हैं मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल रहा है अल्फाबेटिक कुछ ऐसे करके, तो मैं भी आज वही चैलेंज आप लोगों को पूरा करके ट्राई करूंगी कि मैं पूरा कर पाऊँ ओनली एट फूड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ओके सॉरी, ओनली एट फूड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एन एम ओ पी क्यू एस, ये मुझे याद है 26 वर्ड्स जो होते हैं, तो मैं उनको कंटिन्यू एक ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, तो मैं आपको ट्राई करके खा के दिखा सकती हूँ कि मैं आज पूरे दिन में मैं 26 जो वर्ड्स होते हैं अल्फाबेटिक, तो मैं उन डिजिट को वन बाय वन ऐसे पूरे 24 आवर्स में आपको खा के दिखाती हूँ, 24 आवर्स या पूरे दिन में। तो अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, अभी टाइमिंग हो रहा है 10 o'clock मॉर्निंग। ओके, तो मैं अभी बस रेडी नहीं हूँ। ओके, और मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ए फॉर ए। तो ए फॉर ए मीन्स मैं क्या खाऊंगी, क्या, यस गॉट इट, ए फॉर एप्पल भी होता है, कई सारे होते हैं, लेकिन मैं खाना चाहूंगी ए फॉर आलमंड्स। आलमंड्स में होता है पावर, ऐसा बोलते हैं लोग, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मैं आलमंड्स बहुत खाती हूँ, लेकिन मुझे जो ऑलमंड्स होते हैं ना, मतलब वो वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसको पानी में डाल के और फिर उसको नाइट में रख के फिर उसको जो उसके पील होते हैं ना उसको आउट कर देती हूँ और फिर मैं खाती हूँ ऑलमंड्स। तो मेरा ए फॉर ए वाला जो है ना ये कंप्लीट होने वाला है, तो मैं इसको खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। एक मैंने अल्फाबेटिक कंप्लीट कर लिया है, ए आ एप्पल, ए आ एप्पल तो नहीं खाया लेकिन ए आ अल्फाबेट, ए से ऑलमंड्स भी होता है, तो मैंने ऑलमंड्स क्लियर किया है। अब मुझे खाना होगा बी से, तो बी 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 से बी से बी से बहुत ही बी से बॉर्नविटा। मैं इसको बहुत ध्यान से देख रही थी, यस बॉर्नविटा। तो मैं ये बॉर्नविटा ना इसमें बॉक्स में करके रख लेती हूँ क्योंकि इसमें स्टक हो जाता है, तो वैसे तो मैं मिल्क में डाल के पीती हूँ, लेकिन मैं आज इसको कुछ इस तरीके से खाऊंगी आपके सामने। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और खाना चाहूंगी क्योंकि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही अमीर फिटना। और मैं आपको पूरे दिन का रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ, लेट्स सी। ओके, जैसे मैंने ए फॉर एलिमेंट ऑलमंड्स खा ली है, सी फॉर बी फॉर मैंने क्या खाया है बॉर्नविटा, ए बी सी लाइक मैं तो भूल रही हूँ ना, तो फिर मुझे क्या है एक डायरी में मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं मेंशन करूँगी क्योंकि मुझे मेंशन करना होगा तभी मुझे याद रहेगा मैंने ए खा लिया, बी खा लिया, सी खा लिया, मैंने मैंने बी तक खाया। देखो जैसे कि अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं टिक लगा देती हूँ, जैसे कि मैंने ए खाया, ए फॉर एप कुछ भी खा लिया, जैसे कि अब बी फॉर खा लिया, तो मैं सी फॉर अब बच चुके हैं 12, क्योंकि बहुत गैप हो चुका है। मैं थोड़ा टीवी देखने लग गई थी तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो अब मैं खाऊंगी, मैंने ए से खा लिया, ए फॉर खा लिया, बी फॉर खा लिया, सी फॉर खा लिया, अब मैं खाऊंगी डी फॉर। तो डी फॉर जो आप देखेंगे ना कि मैं डी फॉर क्या खा रही हूँ, आप लोग इतना हंसेंगे क्योंकि डी से मेरे घर पर कुछ नहीं था। तो ये देखिए मैं डी फॉर क्या खा रही हूँ, डी फॉर है धनिया, जो साबित धनिया होता है ना जो हम डालते हैं, ये
जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक ओके। अब मैं खाऊंगी इसको, और कुछ भी नहीं है। अच्छा इसमें लेकिन कैसा है, कड़वा तीखा तीखा, क्या करें, चैलेंज के लिए करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग डी और धनिया मैंने खा चुका है, ओह माय गॉड। अब हमारा आता है ई ई और जैसे कि मैंने ये धनिया खाया था, धनिया खाने के बाद अब मैं खाऊंगी इक्लियर्स। इक्लियर्स मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, मुंह का टेस्ट इतना अच्छा हो गया है क्योंकि धनिया ने बहुत खराब कर दिया था, इसलिए मैं इक्लियर्स खा रही हूँ। डी से धनिया खाया था, बिल्कुल अंत्यास्लेस था, इक्लियर्स था डन। अब इक्लियर्स के बाद ऐप, अब ऐप से क्या खाएंगे गाइस, क्या देखते हैं, शॉप पे जाती हूँ, देखती हूँ क्या मिलता है एंड फिर आती हूँ और फिर आपके सामने खाती हूँ जो भी खाना जो भी मिलता है अभी आके और आपके साथ शेयर करूंगी। हे गॉड प्लीज हेल्प मी, कुछ तो मिले। हेलो गाइस, जैसे कि मैं अभी अभी शॉप पे गई थी और पास में एक शॉप है, तो मुझे ऐप से कुछ चाहिए था, तो ऐप फॉर पिजी जो कि मुझे मिल चुकी है और मैं पी के दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जो कि मैंने धनिया खाया था अभी भी उसका टेस्ट उतना नहीं है। और जैसे कि आप देखेंगे मैं फिजी पी फिजी पीऊंगी एपके, इससे आती है पावर। इससे अच्छा तो इक्लियर्स का टेस्ट था फिजी। मैं थोड़ा सिप लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। आप भी ट्राई करिए प्लीज, कम ऑन। जैसे कि अब हमारा ऐप का भी चैलेंज हो गया है पूरा, तो हम इस पे भी टिक करेंगे। डायरी में साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि अगर डायरी नहीं होगी तो मैं भूल जाऊंगी। तो ऐप हो गया, ऐप हो गया, अब हमारा होगा जी। अब जी से मैं क्या खाऊं, गॉड कुछ ऐसा वैसा नहीं मिलना चाहिए। हेलो, अब मैं खाऊंगी क्या 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 खाते हैं, क्या खाते हैं ये देखिए आप। जी फॉर ग्राम, ग्राम मीन्स होता है चना। ओ माई गॉड, ये घर पे था, अवेलेबल था, तो मैंने इसको पानी में डिप कर दिया ताकि इसको मैं खा सकूं, क्योंकि चैलेंज कंप्लीट करना है तो खाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए ओके, तो मैं इन चनों को खाऊंगी। ग्राम जी फॉर ग्राम, ग्राम मीन्स चने होते हैं, और मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत हेल्दी होता है, ट्राई करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में जो चीज़ अवेलेबल हो और मिल जाए, ग्राम तो मुझे बिल्कुल पसंद है और सबको आई थिंक पसंद ही होंगे, हेल्दी होता है और हमको ये चीज़ ट्राई करनी भी चाहिए। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है जी तक मैंने कर लिया है ग्राम, तो मैं इसको टिक कर लेती हूँ। अब जी ए बी सी डी ई एफ, ई एफ जी और फिर आएगा एच। अब एच मैं क्या ट्राई करूँ, एच करूँगी बोली अमेजिंग क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, यू नो बच्चों को भी बहुत पसंद, और जो भी मैं खा रही हूँ ना बच्चों को बहुत पसंद है, और मैंने बच्चों वाला चैलेंज किया है अब मुझे नहीं पता, कुछ एक दो अल्फाबेट्स नहीं मिले सो मैं क्या करूँगी, लेकिन हिंगोली वाओ अमेजिंग, आई लव इट, यू ट्राई इट, कम ऑन दिस इज फॉर यू, प्लीज कम ऑन ट्राई करिए, बहुत अच्छी
I love this. How do you know? अमेजिंग. और मुझे बहुत मजा आ रहा है सच में. मतलब मैं डिब्बे खोल खोल के देख रही हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है. उसकी मुझे बहुत टेंशन हो रही है. कुछ अल्फाबेट्स मुझे नहीं मिले हैं, मैं क्या करूँगी. आई डोंट नो. कम ऑन कंटिन्यू विद मी. जैसे कि मैंने हिंग बोनी खाई है. अब GHI. अब आय वाला जो आप देखेंगे ना आप हंसते से सीरियसली पागल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आई से टिक कर दिया है. अब मैं खाऊंगी आई फॉर आइसक्रीम. ये अभी क्योंकि अभी तीखा तीखा हो गया था ना हिंगोली से, तो इसको मैं ठंडा ठंडा एकदम फ्रेश फ्रेश कर लूंगी. अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग. क्योंकि मैं घर में आया ठंडा ठंडा कूल हो गया. हम नेक्स्ट. ओ माय गॉड. जैसे कि 2:30 या 2:40 हो चुके हैं, नून टाइम है. ओ माय गॉड, टाइम बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा है. मैं इतना ही खा सकती हूँ. मेरे फेस का हार हो गया. जैसे कि मैंने आई कंप्लीट कर लिया, सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड अब मेरा टर्न है जे. अब जे मीन्स जो आप देखेंगे, सच में आप बोलेंगे कि मैंने बच्चों जैसा ट्राई किया है. इसमें कोई भी अशीटिंग नहीं किया है. जे फॉर जलजीरा, जो कि हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है. अब मैं पीने जा रही हूँ जलजीरा, जो कि सबको बहुत पसंद होता है. पीने तो नहीं जा रही, खाने जा रही हूँ. मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है. जैसे कि आप देख सकते हैं, कमॉन थिक इट, आपको भी खाना पड़ेगा. ये देख लीजिए. ओह माय गॉड, कितना खट्टा है. मैं नहीं खा सकती, लेकिन थोड़ा सा और. गाइस, ये चैलेंज बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन जितना भारी हो रहा है ना, उतना इंजॉयबल हो रहा है. मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, सीरियसली. आई एम सो हैवी इट विद इट. कम ऑन, आई के बाद जे, जे के बाद के. थैंक गॉड के तो कुछ अच्छा खाने को मिले, नहीं तो क्या ही खाने को मिल रहा है. आई हेट इट. देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जे भी कंप्लीट कर लिया है. सो आई एम सो हैवी. एंड देन जे के बाद आता है के. आई जे के. ओके, तो के मैं लिख लेती हूँ. एंड देन के मीन्स मैं क्या खाऊंगी. मैंने बोला था ना कि बहुत अच्छा आने वाला है. वह कुरकुरे, ये ठीक है ना. तो मैं आप कुरकुरे खाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आइस हो गया, ये हो गया, ब्ला हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला. और मैं इसको खाऊंगी. बहुत तीखा तीखा भी लग रहा था जल्दी से, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है. यमी, बहुत यमी. आप भी ट्राई करो, बहुत अच्छा है. मुझे बहुत मजा आ रहा है, सीरियसली. आपके लिए कमॉन गाइस. अब बज चुके हैं 5:30 एंड एल फॉर लेमन के एल एल रेट बहुत जरूरी है. तो मैं नाइफ के साथ इसको कट करूंगी. ओह माय गॉड, खट्टा खट्टा आज तो गए बेटा काम से. तो आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा कट करूंगी. कट करके, और मेरा भाई बोल रहा है कि आप मुंह नहीं बनाएंगे और आपको एम ही खाना है स्माइल करके. कैसे खा सकती हूँ मैं ही, पागल हो गया दिमाग से.
अब नहीं, अब नहीं इस्तेमाल कर सकती मैं, खट्टे को खट्टा ही खाऊंगी ना। कैमरे के पीछे छुप छुप के ना मेरी ले रहा है, बात कर रहा है, बात लगा रहा है मेरी। मेरे से शर्त लगाई है इसने कि 500 रुपये दूंगा आपको। वाओ ये भी कंप्लीट हो गया लेमन वाला। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी 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 कर रही हूँ, थोड़े वक्त में ही बहुत कुछ दिखा दे रही हूँ। मैंने एल क्लियर कर लिया, अब बज चुके हैं 6:30, 6:30 हो चुके हैं। अब मैं एल मैंने खा लिया था, एल फॉर खा लिया था, एल फॉर लेमन खाया था। अब एम फॉर मेंटोस, एम फॉर मेंटोस खाऊंगी मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सॉरी गाइस, एम फॉर मेंटोस नहीं खा सकती मैं क्योंकि उसमें ओ फॉर ऑरेंज मेंटोस है, तो मैं उसको ओ के लिए यूज़ करूँगी। और एम सॉरी, मेरे से गड़बड़ हो गया। और एम फॉर मिल्क पीने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं कर्ड खाती हूँ, छाछ पीती हूँ, लेकिन मिल्क नहीं पीती। लेकिन आप उनकी वजह से और मेरे चैलेंज की वजह से मुझे पीना पड़ रहा है। बहुत ठंडा है। यस आई गॉट इट। एंड अब इसके बाद क्या करूँगी ये भी देखती हूँ। जैसे कि आपको बताया मैंने एम से मिल्क पी लिया है जो कि बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब एन फॉर आने वाला है नारियल, जो कि मुझे फोड़ना पड़ेगा। मैं तो नहीं फोड़ने वाली, मेरा भाई फोड़ेगा। और फिर एन फॉर नारियल खाएंगे इसमें से। लेट्स वेट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। 6:30 हो चुका है, 6:30 से भी ऊपर हो चुका है। अब पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। मैं ये भी जल्दी से आपको खा के दिखाती हूँ क्योंकि बहुत कम वीडियो, बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम बहुत वक्त कम है, इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती। जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम लगा है और देखिए नारियल फूट चुका है। ये तो देखिए, ओ माई गॉड, वाओ, जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेजिंग। लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, तो मुझे तो एन फॉर नारियल, ओ माय गॉड, अमेजिंग। देखिए इसमें इसका पानी निकला है, इसमें पी लेती हूँ। मतलब मैंने बाउल में मुँह लगा लिया, नो प्रॉब्लम। जो हम रियल कर रहे हैं रियल दिखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चे मन के सच्चा। ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि बहुत खा रही हूँ, सुबह से खा ही रही हूँ, खा रही हूँ, खा रही हूँ। जैसे कि हमारा एम भी कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट, जैसे कि अपना एम हो गया, एन हो गया, एम एन ओ। अब ओ से मैं खाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने ओ, क्योंकि ओ मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो ऑरेंज फ्लेवर। क्या है? ऑरेंज फ्लेवर मेंटोस। ओके, तो ये मैं खाती हूँ। ये देखिए ऑरेंज, ओह शिट, नीचे गिर गई। सीरियसली अमेजिंग। जो कि मैंने कभी नहीं खाया, आज वो मुझे खाना पड़ रहा है। चबा चबा, सीरियसली मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं अंधेरा होता ही जा रहा है, तो लाइटनिंग की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे एम एन ओ, ओ तक हम खा चुके हैं, तो पी फॉर मैंने क्या प्रेफर किया है, पी फॉर पेठा। ओ माय गॉड, ये आगरा का फेमस पेठा है। ओह, मैं खाने वाली हूँ, बहुत स्वीट स्वीट हो गया, कहीं स्वीट स्वीट स्वीट, कहीं तीखा तीखा तीखा, एक साथ कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं तीखा ही तीखा तीखा हो रहा है, कहीं स्वीट 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 हो रहा है। वाओ,
अब लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट, वो देखती हूँ मैं। जैसे कि मैंने पी खा चुकी हूँ, पी फॉर पैठा खा चुकी हूँ, अब मैं खाऊंगी क्यू। तो क्यू फॉर मुझे कुछ नहीं मिला, सॉरी, लेकिन क्यू फॉर क्यू को हिंदी में किसमिस कर लूँगी मैं। तो मैंने क्या बनाया था, मैंने खीर बनाई थी, तो खीर में जो मैंने किसमिस डाली है वो मैं खाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं किसमिस। वाओ, अमेजिंग। अब नेक्स्ट क्या होता है देखेंगे, लेकिन खीर भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसमें किसमिस था। मुझे ये चैलेंज सच में, जितनी बार मैं कुछ खा रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे कि हमने पी क्यू कंप्लीट कर लिया है, अब हमारी बारी है आर की। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि स्वीट 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 आ रहा है एक साथ, अब आर और रुआब्जा। जैसे कि आप देख सकते हैं रुआब्जा, तो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ रुआब्जा। ओह गॉड, फनी एंड ओह माय गॉड, शायद आप लोग बहुत पसंद करेंगे। पसंद तो करना ही पड़ेगा, देखिए आपने स्कूल में इतना मैंने ले लिया है। आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। ओके, अब मैं इसको पी लेती हूँ। टू स्वीट, ओह गॉड, ये बहुत स्वीट, ओह माय गॉड, ये सबसे स्वीट था। ये मेरा चैलेंज अभी नहीं हुआ, अभी कितना बाकी है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ओह माय गॉड, अभी 8 है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। क्या कंप्लीट हुआ था, क्या कंप्लीट हुआ था, आर। अब आर के बाद आता है एस। अब एस के साथ में क्या खाऊंगी, सेफॉन सीड्स, यू नो सेफॉन सीड्स। ओह गॉड, इतना ही लेती हूँ ऑनेस्टली, मैं खा रही हूँ और आपको भी खाना पड़ेगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है गाइस, माय फ्रेंड्स। सो मैं ये खाने वाली हूँ, वेरी स्वीट और अच्छे भी रहते हैं, हेल्दी भी होता है, ये हमें खाने के बाद खाने चाहिए, इससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, यू नो, अमेजिंग। शाम होती जा रही है मेरे, मुझे बहुत ये लग रहा है, ये पता नहीं मिलेगा या नहीं, क्योंकि शॉप पे कई ऐसी चीज़ें जो मिल नहीं रही हैं, ओह माय गॉड, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बाकी ये बहुत टेस्टी है। अब हमने एस कंप्लीट कर लिया, अब हम टी, ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं टी पी रही हूँ, जैसे देख सकते हैं आप। ओके, तो मैं टी कभी नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, बहुत कम, जब सिर में पेन हो, माइंड में पेन हो, तब मैं टी पीती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एक सिप लूँगी बस, इससे ज़्यादा मैं पी नहीं सकती, क्योंकि बहुत टमी फुल हो चुका है, ये खा के वो खा के वो खा के। अब एस हो गया, अब टी और टी हो गया, अब यू फॉर क्या होगा, क्योंकि यू फॉर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं देखती हूँ, जल्दी से जाती हूँ शॉप पे भाग के, और देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो फिर मैं जल्दी से आपके पास पेश होती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे मैंने अभी क्या कंप्लीट किया था, टी एस टी यू, अब मुझे यू कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने ये अल्फाबेटिकल वाले जो क्रैक्स आते हैं ये मैंने मंगाया है, तो उसमें से मुझे यू भी नहीं मिला, मुझे वी, जो मैंने भाई से अपने विक्स की टैबलेट मंगाई थी, गोली होती है विक्स जो चुस्की होती है, वो नहीं मिले, वो भी नहीं ला पाया, तो यू वी, तो यू भी मुझे इसमें से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और नहीं सिलेक्ट किए तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ तो वो करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा ये राउंड राउंड ओ है, तो हम इसको बीच में से तोड़ लेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, यू, ये तो मैं देखिए चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, तो ये हमारा यू हो गया, एस टी यू, ओके। अब ये भी खाई देती हूँ,
अभी भी इसमें से मैं बनाऊंगी थोड़ा सा ये भी थोड़ा सॉरी, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरे को मार्केट में नहीं मिला तो मैं यू की जगह यू बी और बी, ओके यू बी अब डब्लू, मैं डब्लू आपको पक्का करके दिखाती हूँ। तो सॉरी गाइज, मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने ट्रिक अपनाया, और आप भी ट्रिक अपना सकते हैं। जब कोई चीज़, हमें ट्रिक तो अपनानी चाहिए, जब हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे तो हमें अपने माइंड को भगाना चाहिए, दौड़ाना चाहिए, और हमें कुछ चीज़ें खोज निकालनी चाहिए खुद से। ओके तो यू भी क्लियर हो गया, मैं डब्लू फॉर लेके आती हूँ, और बिल्कुल डब्लू फॉर ज़रूर लेके आऊँगी, चाहे वो पीने की चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, लेकिन मैं ज़रूर लेके आ रही हूँ। ओके तो देखिए मैं डब्लू फॉर क्या लेके आती हूँ। यस देखिए, अब मुझे डब्लू यू वी डब्लू, हम यू वी अब हो चुका है, अब हम डब्लू डब्लू फॉर वाटर, बिकॉज ये हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, आपको पता ही है, तो इसको तो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो देखिए, घर पे घर वाली चीज़ों से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हैं और मार्केट से भी मंगाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, वाटर हमारी लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है जो है वाटर, तो इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं भी नहीं भूल सकती इसको। जैसे कि अंधेरा होता जा रहा है, टाइम होता जा रहा है, तो हमारा डब्ल्यू भी कंप्लीट हो गया। अब डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, डब्ल्यू एक्स, एक्स के लिए भी मुझे ट्रिक आजमानी पड़ेगी क्योंकि कुछ है नहीं। तो ये क्रैक्स था, तो सी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एक्स से ख़त्म तो हो रहा है। देखिए एक्स क्रैक्स, तो मैं क्रैक्स खा के ये एक्स वाला जो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं क्या करूँ, देखिए आप देख सकते हैं मैंने क्रैक्स खा के एक्स को कंप्लीट किया है। अब जो है वाई फिर जेड, अब मुझे नहीं पता मैं जेड से क्या करूँगी। तो ये देखिए, अभी मैं मिलती हूँ बाई के साथ, बाई से क्या करना है। ओके तो मुझे बाई तो मिल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाई ये भी। तो मैं आपको अभी थोड़ी 5 मिनट बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैगी तो 2 मिनट लगाती है, तो 2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट में मैं आपको पका के मैगी मिलती हूँ। और यपी मैगी है ये, मसाला यपी नूडल्स, बहुत सारा कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको इसको पका के, क्योंकि अभी टाइम जो हो चुका है 9:40 हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते, अब देख नहीं सकते लेकिन मैं बता रही हूँ कि 9:40 जब तक हम इसको पकाएंगे खाएंगे, और अभी जेड भी बाकी हुआ है, तो तब तक शायद पता नहीं 12 घंटे तो हो जाएंगे। तो प्लीज़ मैं मिलती हूँ आपको इसको पकाने के बाद। यस, तो मैं ये भी मैगी के साथ आप लोगों के साथ सामने आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये भी मैगी बना ली है, भूख भी लगी इसको देख के, गरम गरम, वाओ। सॉरी गाइस, अगर मैं लेट हो गई बनाने में, क्योंकि मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, ये मुझे पकी पकाई मिल जाओ और मैं आराम से आपके सामने आ जाऊँ, तो मुझे इसके लिए बहुत हेल्प करे। बहुत टेस्टी बनी है, वाओ। बहुत मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था, वाओ। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती, मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट टास्क के साथ। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं मैगी पूरी फिनिश करके आई हूँ, और नाइट के बज चुके हैं 10:30। ओके और अब मुझे बहुत ही नींद आ रही है, लेकिन जो कि लास्ट हमारा अल्फाबेटिक चैलेंज ड्यू है, हमने यू भी कंप्लीट कर लिया, मैंने टिक नहीं लगा पाए थे, मैंने यू भी कंप्लीट कर लिया, मैंने वी भी कंप्लीट कर लिया, डब्ल्यू भी कंप्लीट कर लिया, एक्स भी कंप्लीट कर लिया, वाई भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बचा है जेड। अब जेड के लिए हम क्या खाएं, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे जेड के लिए, तो मैं क्या खाऊंगी, जिग जैग के नहीं है, अब मैं क्या करूँ, सॉरी मैं नहीं खा सकती कुछ, मेरे पास है नहीं कुछ भी, है ना, सॉरी। अब फिर भी इसमें लिखा है कहीं जिग जैग, जैसे कि आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे जिग जैग लिखा है, और मैं जिग जैग तरीके से, जिग जैग तो
zigzag नहीं लिखा था, लेकिन मैं zigzag तरीके से इस बिस्कुट को खाऊंगी. ओके क्योंकि मुझे ही कंप्लीट करना है zigzag तरीके से. ओके तो मैंने zigzag तरीके से आपको खाके दिखा दिया, लेकिन मेरे पास जेड के लिए कुछ था नहीं. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, बहुत मेहनत किया सीरियसली और इन्जॉय भी आया है, ऐसा इन्जॉय भी हुआ है, इन्जॉय भी किया है मैंने. ऐसे नहीं है कि मैंने बस मेहनत ही किया. और आप लोगों को बिल्कुल भी अगर पसंद आया हो, अगर वीडियो फनी हो, आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. और आप लोग भी ये चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड में है, आप लोग वॉच भी कर सकते हैं. तो प्लीज़ अब मैं सी यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है और 10:30, 10:40 के अराउंड हो चुके हैं. तो प्लीज़ गाइज फिर से मैं ये कहना चाहूँगी, बाय बाय, सी यू अगेन, बाय 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 बाय.